नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार है। 28 मई को उसका लोकार्पण भी होना है। लेकिन अब ऐसे में तमाम जितने विपक्षी दलों के नेता हैं, उन्होंने इस उद्घाटन समारोह का, इस लोकार्पण समारोह का सीधा सीधे बहिष्कार किया है। क्यों बहिष्कार किया है? देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी, नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंत्री हैं, जेडीयू ने भी इस लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। क्यों किया है? क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस उद्घाटन समारोह में क्यों नहीं बुलाया गया है, ये सवाल खड़े किए गए। देखिए, देश का जो नया संसद भवन बनकर तैयार है, 28 मई को उसका लोकार्पण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ मौजूद होंगे, और ऐसे में कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी के पैसे से थोड़ी बनकर तैयार हुआ है संसद भवन, बीजेपी ने अपना पैसा लगाया थोड़ी है इसमें। इसमें तो देश की जनता का जो पैसा लगा है, गाड़ी मुठी कमाई लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं इस पर इस्तेमाल किया गया है। मदन सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इसका संसद बनकर तैयार है, 28 तारीख को उसका शुभारंभ होना है, लेकिन तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, आपकी पार्टी भी उसमें सहयोग कर रही है, आप लोग सब बायकॉट कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्यों? नहीं, ये तो सोचने वाली बात है कि देश में संसद का निर्माण हुआ है और एक दो दल नहीं बल्कि 20 दल देश के अंदर, मान के चलिए कि जितने भी दल हैं वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध संसद भवन बनने का नहीं हो रहा, बल्कि इसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी स्रोत से उसका निर्माण करवाया है और उद्घाटन में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को जब आपने बहुत प्रचारित करके आदिवासी महिलाओं को आपने यह मौका दिया, तो चाहिए कि उनको भी इसमें सम्मान बुलाना चाहिए। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो फिर दिखाने के लिए दूसरे दल को बुला करके बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। और देश के अंदर में विरोध होने का एक और भी बड़ा वजह है, और सभी जो एकजुट हैं विपक्षी दल, उसका सबसे बड़ा वजह है कि लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास नहीं है और उनका रवैया राजतंत्र के तरह है, उसका भी विरोध हो रहा है। जब आपका देश के लोकतंत्र में, संविधान में आपका आस्था नहीं है, तो यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। और हम तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करते हैं और इस कार्यक्रम से हम लोग अलग अपने आप। सवाल ये भी है कि संजीव, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी लोगों का कि आपने विधानसभा में विस्तारित भवन बनाया, आप लोगों ने राज्यपाल तक को निमंत्रण नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के उस समय जितने नेता है और जिन्होंने यह सवाल उठाया है, हमने भी देखा है, उनसे जा कर के पूछिए कि आप उसमें शामिल थे कि नहीं थे। सभी लोग उसमें शामिल थे और उस समय अगर उनको इतना ही दर्द है तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं बायकॉट किया जिस तरह आज हम लोग कर रहे हैं। उनके पास अगर साहस था और उस समय हम लोग के साथ थे तो उनको भी नहीं उस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वो तो बड़े प्रेम से शामिल थे और बहुत मजा ले रहे थे। करोड़ रुपए का जो लोकतंत्र का मंदिर बना है, आप लोग जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, करोड़ रुपए लगा है। नहीं, करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी का नहीं लगा है, देश के जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है उसको बनाने में। भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं लगा हुआ है और न ही माननीय प्रधानमंत्री जी अपने तरफ से कर रहे हैं, ये पूरा देश का जनता का तो पैसा है। तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनको लगा हुआ है पैसा, तो जा रहे हैं, अपना निजी पैसा से बनवाए हैं। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का या भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं है, तो यह दिखावा किस लिए बना रहे हैं? तो उनके सांसद वहां नहीं पहुंच पाएंगे, पूरा विपक्षी एक होकर के और उनको रोकने का काम करेंगे, उनके दल के कोई सांसद वहां पहुंचने वाले नहीं। सवाल ये भी है कि उनका कहना है कि इंदिरा गांधी जब थी तो उन्होंने नेक्सा का उद्घाटन किया था, एनएक्सी का, और जिस प्रकार नहीं, तो ये एनएक्सी का उद्घाटन और नए सिरे से संसद का निर्माण, करोड़ों अरबों रुपया लगा करके देश के जनता का, इस पर सभी का हक है। और उसमें जो हमने पहले ही कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी को जब उन लोगों ने नहीं सम्मान दिया, स्थान दिया, तो हम लोग इसका, और सबसे बड़ी बात है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का संविधान में आस्था नहीं है, तो हम लोग इसका
बहिष्कार करते हैं। तो उन्होंने एक सुर से कहा, ये तो उनको सोचना चाहिए ना, हमने पहले ही कहा कि ऐसा वो प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का निजी कोष से बना है। सर उनको दिक्कत क्यों हो रहा है? ये तो वो बताएंगे ना कि क्या दिक्कत है। वो तो हर चीज़ पर कब्जा जमाना चाह रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं, ये उनकी नीति है। आपको लग रहा कि कोई कार्यालय है क्या उनका? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय अगर वो समझते हैं तो उनकी भूल है। हमने पहले भी कहा कि संसद भवन भले वो बन गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद जीत के नहीं जाएंगे। तो आपने सुना है बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको बातें सुनवाई हैं। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है, लेकिन उससे पहले बिहार में भी सियासत शुरू हो चुकी है। आरजेडी ने एक तरफ जहां बहिष्कार किया, कल ही तेजस्वी यादव ने, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने भी साफ साफ ये कह दिया कि कहीं ना कहीं अपमान हुआ है। और क्यों नहीं बुलाया गया देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को, क्यों नहीं बुलाया गया है, सवाल खड़े किए हैं। अब ऐसे में लोकार्पण समारोह से पहले जब विपक्षी नेता एकजुट दिख रहे हैं, क्या कुछ बयान सामने निकल के आ रहे हैं? आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।